इश्क मतलब एक तरह से नशा है, इनके जो खोपड़ी में चढ़ चुका है, इनके जो है भेजे में चढ़ चुका है। गलत बोल दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TLU। सो आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो ऑफ पीड बाय दलजीत दोसांझ फ्रॉम हिज एल्बम गोट। तो अभी तक दो म्यूजिक वीडियो इनकी आ चुकी है फ्रॉम एल्बम गोट। पहला था आपका गोट और दूसरा था आपका क्लैश। तो अब ये तीसरा गाना है पीड। तो बाकी सब जितने इनके गाने हैं एल्बम के, वो सब सारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, बट म्यूजिक वीडियो अब तक सिर्फ दो आई है जैसा मैंने पहले बताया। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इन, लेट्स चेक आउट दिस सॉन्ग। इस टाइप की जो म्यूजिक है ना, जो अभी स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स थे, ये आजकल के जो मैं पंजाबी सॉन्ग्स में थे ये सब मिस कर रहा था। तो थैंक यू दलजीत पाजी यार फिर से ऐसे टाइप के म्यूजिक एलिमेंट, ऐसे टाइप का टेक्सचर लाने के लिए। आगे देखते हैं। हमारे इश्क को जगह मिले या ना मिले, कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई दर्द नहीं। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे दिल में मुझे जगह ना मिले तब भी मुझे कोई गम नहीं। तो आगे देखते हैं। सुन सोनिया तेरी याद ना वे मैं खेड़ दी दिन रात वे, तेरा इश्क से चढ़ बोलदा और इश्क साडी जात। ओहो, ये लाइन बड़ी अच्छी लगी। तुम्हारा इश्क जो है मेरे सर पे चढ़ गया है और ये जो इश्क है मेरी बन गया जात है। तो आगे देखते हैं। बढ़िया लग रहा है यार ये गाना, मुझे ये लिरिक्स अच्छी लगी यानी। और ये लिरिक्स जो है राजी ने लिखी है, जो इनके पिछले गाने भी लिखे थे। सी, जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि लिरिसिस्ट जो होते हैं अपने गानों पे नाम हमेशा जो जिक्र करते हैं, तो इस जो ये वाला गाना जो है राज ने लिखा है, तो उन्होंने फिर वही मेंशन किया अपना नाम लिरिक्स में, और जिस तरह स्टोरी कनेक्ट कर देते हैं, विच इज अ गुड साइन ऑफ अ लिरिसिस्ट और आर्ट उनकी। तो आगे देखते हैं कैसा होने वाला है। हाल पूछ ले आड़ के पावे बेगा।
जाना जान के असी आखरी सांस छाण के मर जाना दीदा मान के मर के भी असी सजना मर के भी असी सजना ओके ओके अब समझ में आ रहा है गाने का नाम पीड़ है दर्द तो वही बोल रहे तेरी दीती पीड़ साम दी मतलब तेरे दिए वो जो दर्द है वो संभालती तो वही चीज दिखा रहा है कि मतलब इतने दर्द से वो गुजरती तब भी उसको बताती नहीं थी अब अचानक से उनको पता चला दजी दोसांझ को स्टोरी बहुत अच्छी लग रही मेरी जो स्टोरी लाइन है बहुत अच्छी लगी दजीत पाजी की ना खासियत ये लगती है कि ये सिर्फ क्लब टाइप सॉन्ग तो अच्छे बनाते ही बनाते हैं साथ ही में जिस तरह से जैसे फोक सॉन्ग हो गए रोमांटिक सॉन्ग हो गए ये भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अब जैसे आप लोगों ने उड़ता पंजाब में सुना होगा एक कुड़ी या फिर आपने सुना होगा की बनू दुनिया दा पंजाबी फोक सॉन्ग तो हर टाइम का सॉन्ग जो है ना ये अच्छे से गाते हैं अच्छे से निभाते हैं तो ये सॉन्ग भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी म्यूजिक वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी जिसने डायरेक्शन दी है और म्यूजिक सहरा सर ने दिए तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लिरिक्स राज ने लिखी उन्होंने पिछले गाने की भी लिखी थी बहुत अच्छा लगा। अभी तक तीन गाने आ चुके पहला गाना था गोड जिसकी लिरिक्स करण औजला जी ने लिखी थी और दूसरा गाना क्लैश उसकी लिरिक्स राज ने लिखी थी हाँ राज ही ने लिखी थी और अब ये तीसरा गाना तो अगर आप तीनों गाना सुनोगे तो तीनों में कुछ ना कुछ अलग टाइप का आपको वाइब मिलेगा। और जो दूसरा गाना था इनका क्लैश उसकी म्यूजिक किट ने दी थी बहुत अच्छा लगा था वो भी गाना मेरे को और प्रीतराज को और ये भी गाना पक्का अगर प्रीतराज यार सुनता है उसको भी ये बहुत पसंद आता। तो मुझे वीडियो बड़ी पसंद आई मुझे गाना बड़ा पसंद आया और आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा फेवरेट सॉन्ग है दजी दोसांझ का फ्रॉम हिज एल्बम गोड और साथ ही में उनके और भी गाने जो आपको अच्छे लगते हो तो आप हमको बताना और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं टिल देन स्टे ट्यून्ड।